जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी के अंदर लगी जो लीडर्स की बैटरी है उसको मैं आज आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। गाइस, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, जब भी अपनी गाड़ी का बैटरी हमें खराब लगता है उसे हमें पता करना होता है बैटरी का लाइफ कैसा है, बैटरी का टेस्टिंग कैसे करना होता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, बैटरी वाले के पास जाते हैं, फिर उससे जो है हम हमारी गाड़ी की बैटरी जो भी है वो टेस्टिंग करवाते हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बैटरी टेस्टिंग करना बताने वाला हूँ। और गाइस, ये जो है आप आसानी से घर पर कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप बैटरी को टेस्टिंग कर सकते हो, बैटरी की कंडीशन कैसी है ये पता लगा सकते हो। तो गाइस, आप लोगों को प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, अभी जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर के कई सारी वीडियोज मिल जाएंगे, और भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए हमेशा मैं लाता रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो चलिए गाइस, अब जल्दी से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो मैं वीडियो शुरू कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कार जो आती है, जो फोर व्हीलर गाड़ी आती है उसके अंदर ज़्यादातर लीडर सीट बैटरी लगा होता है। इसमें फ्री आने टाइम का भी बैटरी आता है, जो कि मेनुअल फ्री कंप्लीट वो पैकिंग बैटरी आता है फ्री आने टाइम का। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी बैटरी का यूज़ करते हैं जो लीडर सीट बैटरी होता है। तो गाइस, इसी को जो है हम घर पर आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं, हमें जो बैटरी वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो में जो है मैं आपको एकदम सिंपल वाला तरीका जो है आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से जो है हम इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। बस उसके लिए जो है आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर अगर परचेस करोगे तो आपको 250 से 300 रुपये में आराम से मिल जाएगा। सो मल्टीमीटर को आपको लेना है और इस बैटरी को जो है अभी हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो है बैटरी को हमें यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए जो है इसे हमें यहाँ पर इसके ढक्कन जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका एक ढक्कन है और यहाँ पर ये इसका एक ढक्कन है। गाइस, पिछले वीडियो में ही हमने इस गाड़ी के अंदर जो है बैटरी मॉनिटर को इंस्टॉल किया है, उसका वीडियो जो है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसका वीडियो आप देख सकते हो। उसको भी मैं आपको वीडियो के लास्ट एंड में जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। गाइस, सबसे पहले जो है इसका मैं आपको पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो देखिए, मल्टीमीटर को जो है हमने डीसी मोड पे कर लेना है। देखिए, डीसी 20 पे हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। देखिए यहाँ पर डीसी, ओके, वोल्टेज ये कॉमन में लगाना है, ये प्रॉप ब्लैक वाला, और ये हमने देखिए वोल्ट मिली एम्पियर, इस पर हमने लगाया है माइक्रो एम्पियर वगैरह। तो यहाँ पर ये वोल्टेज को भी दिखाएगा। तो दोस्तों अभी जो है इसका हम बैटरी का पहले वोल्टेज यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12.6 वोल्टेज दिखाना है, इसका मतलब बैटरी जो है हमारा परफेक्ट चार्जिंग है। यहाँ पर अभी गाड़ी का इंजन भी ऑफ है, 12.6 वोल्ट यानी ये एकदम प्रॉपर चार्ज है, एकदम गुड कंडीशन में हमारा बैटरी यहाँ पर ओके है। अभी जो है गाइस, बैटरी को हम टेस्टिंग करना है, तो इसके लिए हमें इसके यहाँ पर ये दोनों ढक्कन को जो है ओपन करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बैटरी को टेस्टिंग करने के लिए जो है वो ग्रेविटी मीटर जो आता है, जिसे आई थिंक हाइड्रोमीटर भी कहते हैं, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो गाइस, वो हर किसी के पास होता नहीं है, ज़्यादातर जो बैटरी बेचने का जो काम करते हैं उनके पास वही होता है हाइड्रोमीटर या फिर ग्रेविटी मीटर जो बोलते हैं। तो ग्रेविटी मीटर से जो है बैटरी को टेस्टिंग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए दोनों ढक्कन को जो है यहाँ पर ओपन कर दिया है। गाइस, संभाल के ओपन करना है। इसमें जो लीड एसिड, इसका जो ये वाटर होता है, अगर ये पानी अगर गलती से भी अगर किसी के अगर शर्ट या फिर पैंट पे अगर कोई कपड़े पे अगर गिरता है तो वहाँ पर वो फट जाता है, इसलिए अच्छे से ध्यान से इसे इस काम को जो है करना है। तो गाइस, हमारे पास हाइड्रोमीटर या फिर ग्रेविटी मीटर जो बोलते हैं वो तो अभी नहीं है, इसलिए हम आपको मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और गाइस, मल्टीमीटर से जो है इसको हम प्रॉपर
मल्टीमीटर से जो है प्रॉपर भी टेस्टिंग हो जाता है बैटरी का। तो गाइस देखिए अभी हम आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल 6 यहाँ पर होल दिए गए हैं, यानी इसमें जो है 6 सेल होते हैं। जो भी आपका 12 वोल्ट का बैटरी होता है उसमें 6 सेल लगे होते हैं। तो गाइस ये सभी सेल जो होते हैं ये सीरीज में होता है। इनका कनेक्शन किस होता है, यानी इनका कनेक्शन सीरीज में होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए ये पॉजिटिव से यहाँ पर ये नेगेटिव, यानी इसका पॉजिटिव से इसका नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट है, फिर इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट है। तो ऐसे ये जो रहता है इनका सीरीज कनेक्शन यहाँ पर बना रहता है। तो गाइस एक सेल होता है हमारा 2 होल्ड का। तो अभी जो हम टेस्टिंग करेंगे तो ये हमें 2 होल्ड के आसपास ही इसका वोल्टेज जो है हमें मिलना चाहिए, तभी वो सेल यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि हम इसका जो है सेल टेस्टिंग करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी सेल सीरीज में है और इसका सेल का जो वोल्टेज आना चाहिए वो 2 होल्ड के आसपास आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 6 सेल है। तो गाइस इस सीरीज में होने के कारण एक सेल का जो वोल्टेज रहता है वो हमारा 2 होल्ड रहता है। तो 2 × 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 होल्ड। ओके तो गाइस अगर बैटरी का चार्जिंग अगर ठीक तरह से अगर चार्जिंग इसका परफेक्ट 100% चार्जिंग है तो इसका जो होल्ड है वो 12.6 ही वोल्टेज दिखा जाता है यहाँ पर। और अगर 12.9 या फिर 13 वोल्टेज अगर आगे दिखाएगा तो ये एक्सेस चार्जिंग इसे हम कहते हैं। तो गाइस अभी जो है अभी हम आपको इसका ये जो सेल है इसको हम टेस्टिंग करके अभी आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए जो है हमें सभी सेल के अंदर जो है मल्टीमीटर की प्रॉब लगा करके हमें इसे चेक करना है अभी, ठीक है। तो देखिए अभी जो है मैं पहले आपको यहाँ पर टेस्टिंग करवा देता हूँ। देखिए ये जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो दोस्तों अभी जो है देखिए यहाँ पर बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये ब्लैक वायर आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारा, तो अभी जो है गाइस हम इस साइड से टेस्टिंग करेंगे पॉजिटिव साइड से। ओके तो ये हम मीटर का लीड प्रॉब जो है हम यहाँ पर लगाएंगे, और ये नेगेटिव वाला जो है ये ब्लैक प्रॉब इसको जो है हम सेल के अंदर जो इसका लिक्विड है उस लिक्विड को खाली टच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज दिखाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम वोल्टेज ये दिखाएगा, देखिए 1.55। तो गाइस यहाँ पर इसे 2 वोल्ट दिखाना चाहिए था लेकिन ये जो है 1.55 इस टाइप से दिखा रहा है। अभी गाइस ये 2 वोल्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो है बाकी वोल्टेज ये साइड में है वो भी मैं आपको लास्ट में टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है इसका 1.63 यानी 1.6 वोल्ट दिखा रहा है, बाकी जो रिमेनिंग 0.4 वोल्ट है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, वो भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा जब हम यहाँ से यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। तो ये सेल हमारा यहाँ पर टेस्टिंग हो चुका है, यानी यहाँ पर है, ओके है। अभी जो है गाइस यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव प्रॉब को हमें इसमें लगाना है और नेगेटिव को हमें 2 नंबर के सेल में हम लगाएंगे। देखिए ये 2.1 वोल्ट दिखा रहा है, 2.15, इसका मतलब ये सेल जो है एकदम प्रॉपर है, एकदम अच्छा ये वर्किंग यहाँ पर दिखा रहा है। ओके ये सेल एकदम ओके है। इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे, तो इस पॉजिटिव पिन को जो है इसमें हम लगाएंगे और नेगेटिव को इसमें 3 नंबर के सेल में। देखिए 2 वोल्ट के ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी सेल आपका एकदम ओके है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अभी नेक्स्ट हम देखिए इस रेड वाले प्रॉब को हम 3 नंबर सेल में लगाएंगे और ब्लैक प्रॉब को हम 4 नंबर सेल में। तो देखिए यहाँ पर भी 2 होल्ड के आसपास ये दिखा रहा है। तो गाइस ये थोड़ा बहुत यहाँ पर कम दिखा रहा है आई थिंक, देखिए ओके तो एकदम ओके है। तो हमारा ये भी जो है ये सेल भी हमारा एकदम कंप्लीट है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट सेल को हम चेक करेंगे, देखिए ये भी एकदम ओके है। उसके बाद में नेक्स्ट सेल को हम टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए गाइस हमारा जो है सेल ये एकदम ओके है ये भी। अभी जो गाइस यहाँ पर जो हमने टेस्टिंग किया था देखिए ये हमारा 1.6, तो देखिए इसका जो बाकी जो रिमेनिंग वोल्टेज है देखिए 1.65,
तो इसका जो रिमेनिंग 0.4 वोल्ट है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, देखिए नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। तो देखिए गाइस, तो इस प्रकार से हो गया हमारा ये पूरा कंप्लीट 2 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बैटरी की जो सभी सेल है वो एकदम अच्छे हैं, इनमें जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो गाइस, इस बैटरी का कंडीशन जो है एकदम प्रॉपर है, ये बैटरी और भी बहुत सारे दिन तक चल जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको होने नहीं वाला है। ये तो गाइस, बस इसका आपको जो है वाटर लेवल हमें चेक करते रहना है, ओके। इसमें पानी आपको हमेशा भरते रहना है, पानी चेक करते रहना है, ठीक है। तो आपका बैटरी जो है उसका लाइफ हमेशा बना रहेगा, अच्छे से जो है ये वर्किंग करता रहेगा। दोस्तों, ये है हमारा बैटरी मॉनिटर, ये DPM मीटर है, ये यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज दिखाता है, चार्जिंग वोल्टेज वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। तो गाइस, यही हमने पिछली वीडियो में इसे इंस्टॉल किया था, आप जा करके वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पर। इसे अभी ऑन करने के लिए चाबी को हमें यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार से जो है ये बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर दिखाता है। गाइस, इसका एक्यूरेसी इतना 100% है नहीं, इसलिए जो है ये यहाँ पर 12.6 वोल्ट की जगह पर ये 12.4 या 3 वोल्ट ये दिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा लोकल टाइप का मीटर है, इसलिए जो है इसका एक्यूरेसी इतना है नहीं। मल्टीमीटर में जब हमने चेक किया था तो 12.6 वोल्ट ही दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये जो मीटर है ये बहुत ही बढ़िया वर्किंग करता है, ये चार्जिंग वोल्टेज, लोड वोल्टेज वगैरह सब कुछ ये दिखा देता है, बहुत ही प्रॉपर वर्किंग वैसे तो करता है, खाली यही एक इसका प्रॉब्लम है। तो गाइस, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे बाकी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहते हैं। और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।